नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलवार विशेष एपिसोड में, ट्यूसडे स्पेशल एपिसोड में, जिसमें कि हम पोस्टपार्टम केयर के बारे में बात करते हैं। कई व्यूअर्स ये जानना चाहते थे कि डिलीवरी के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, कैसे हैंडल करें, क्या करें, क्या करना चाहिए, इसमें क्या कोई टिप्स कारगर है। तो इसको पूरी तरह से समझाऊंगी, रीजन, सिम्टम, कब क्या एक्शन आपको लेना है एज अ पेरेंट, और एज अ पेरेंट आप क्या तरीके से अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो जन्म लेते ही बच्चे को जॉन्डिस क्यों होता है? पहला कारण, मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप कंपैटिबल अगर नहीं होता है तो आरबीसी जल्दी जल्दी मरने लगती है, तो इस वजह से जॉन्डिस हो जाता है। 70-80% केसेस में 2 किलो से कम बच्चा है, 2.6 kg से कम बच्चा है, तो ऐसे में बच्चे को जॉन्डिस होना स्वाभाविक है। कई बार बच्चे का जन्म 37 वीक से पहले होता है तो उसे भी जॉन्डिस आ सकता है। जॉन्डिस के प्रकार के बारे में भी बात करेंगे और उपाय के बारे में भी बात करेंगे। एक जॉन्डिस वो है जो बच्चा जन्म लिया और उसको जॉन्डिस है, ऑलरेडी उसको जॉन्डिस है। और दूसरा टाइप कि बच्चा जन्म लिया स्वस्थ, लेकिन 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद उसको जॉन्डिस लगने लगा, उसकी आँख, उसकी स्किन आपको पीली लगने लगी। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो जन्म के 2-3 दिन बाद होता है उसका मूल कारण होता है कि बच्चे को ठीक से फीड ही नहीं दे पाए, क्योंकि बच्चा तुरंत से जन्म लेता है तो माता पिता अगर पहली बार पेरेंट बने हैं तो उन्हें नहीं पता होता कितना देना है, कैसे देना है, थोड़ी सी मैसी कंडीशंस भी होती हैं उस समय। तो ऐसे में अगर फीड अच्छा नहीं लिया है बच्चे ने तो जॉन्डिस आ सकता है, पर बहुत आसानी से ठीक भी होता है, आगे हम इसको समझेंगे। दूसरा जॉन्डिस कि बच्चा जन्म लिया और उसको जॉन्डिस है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन तब तक आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जब तक कि पिगमेंट का लेवल 15 से नीचे, 14 क्रॉस करने के बाद ही उसको फोटोथेरेपी देनी पड़ती है, इसका आप ध्यान रखें। तो क्या तरीके कर सकते हैं इस लेवल तक, आइए जानते हैं। नंबर वन, सबसे बड़ी चीज़ जो कि इंडिया में देखी जाती है, अपने देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गाँवों में जो डिलीवरीज होती हैं उसमें बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, बच्चे को ठीक से फीड ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में सबसे पहले बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत देना है, उसको माँ का दूध सबसे अच्छे से देना है। माँ का दूध नहीं आ रहा तो फॉर्मूला फीड डॉक्टर ने बताया है उसको दीजिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको दीजिए, हर 2 घंटे में उसको कुछ फीड दीजिए जितना भी वो ले पा रहा है। ब्रेस्ट मिल्क दें तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसकी माँ के दूध में हैं। न्यूबॉर्न बेबी है, आप उसको मल्टीविटामिन नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ माँ का दूध दिला सकते हैं। कोशिश करें डॉक्टर से सपोर्ट लें, हेल्प लें, जिससे कि माँ को दूध जल्दी बने और बच्चे को बार बार ट्राई कराएं, जिससे कि बच्चा जब दूध पीने की कोशिश करेगा तो हार्मोन्स माँ के एक्टिवेट होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क बनना चालू होगा और बच्चा पिएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी डिहाइड्रेशन की और न्यूट्रिशन की कमी की, वो तो हमने समझ ली। कि दूसरा तरीका वो है सनलाइट, सूर्य की धूप में वो ताकत है कि जो जॉन्डिस की कंडीशन है उसको ब्रेक कर दे और बॉडी से निकाल दे। तो सुबह और शाम की धूप में बच्चे को एक थोड़ा सा पतला कपड़ा पहना है, बहुत ज़्यादा कपड़े में कवर ना करें, बहुत ज़्यादा कवर करके आप धूप दिखाएंगे तो उसे धूप मिलेगी भी नहीं। तो बच्चे को सुबह और शाम की धूप में 10 मिनट के लिए एक्सपोज करें, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप खुले में लेकर बैठ सकते हैं। बच्चा कवर्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सहन करने की क्षमता हमसे कम होती है, तो हमेशा जितना कपड़ा आप सहन कर पा रहे उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आप बच्चे को पहनाएं, और धूप में बैठने से उसके जॉन्डिस ठीक होने लग जाएगा, कम से कम 4-5 दिन इस काम को आप करें। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल तरीका है मिश्री, दाल मिश्री, बहुत स्पेशल मिश्री होती है, इसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन सी होता है, इसके अलावा विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो जॉन्डिस की कंडीशन से फाइट करने में बच्चे को हेल्प देता है। कई लोग कहते हैं कि नवजात को नमक शक्कर नहीं देते, लेकिन अगर बच्चे को जॉन्डिस है तब 1 चम्मच बॉइल्ड और ठंडा किया हुआ पानी बहुत अच्छे से बॉयल होना चाहिए, फिर ठंडा कर लेना है, स्टोर कर लेना है उस पानी को साफ चीज़ में, साफ बॉटल में, प्लास्टिक में नहीं स्टोर करना है, और उस पानी में से 1 चम्मच लें, उसमें छोटा सा मिश्री का टुकड़ा डालें, उस 1 चम्मच पानी को बच्चे को सुबह शाम दे सकते हैं, 2 बार दिन में दीजिए। ताल मिश्री थोड़ी सी मात्रा, जिससे 1 चम्मच पानी मीठा हो जाए, उस मिश्री में इतना न्यूट्रिशन है कि अगर माँ के दूध में कमी है, ब्रेस्ट मिल्क अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा, सफिशिएंट नहीं आ रहा, फॉर्मूला फीड में उतनी चीज़ें नहीं होती जो माँ के दूध में होती है, तो जो कमी हो रही वो मिश्री से पूरी हो, और इससे बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। सनलाइट और मिश्री का कॉम्बिनेशन बच्चे के जॉन्डिस को ठीक करने में बहुत अमेजिंग होता है और आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।